एक बार एक आदमी माँ गंगा से पूछा कि माँ, आपके पास हजारों लाखों भक्त आते हैं और आप रोज सबकी पाप धोते हैं, इतनी सारे पाप कहाँ रखती हैं? माँ गंगा बोली, मैं कुछ नहीं करती, सबको लेके समंदर में डाल देती हूँ। आप समंदर से पूछिए। वो आदमी समंदर के पास जाके पूछा, माँ गंगा आप में समाते हैं और उसमें कई लोगों के पाप मिली हुई होती है, आप वो सारे पाप कहाँ रखते हो? समंदर ने कहा, मैं कुछ नहीं करता, सबको बाप बना के आसमान को भेज देता हूँ। आप जाके आसमान से पूछो। वो आदमी फिर आसमान के पास जाके पूछा, गंगा से जो पाप आता है आप कहाँ रखते हो, क्या करते हो? आसमान ने कहा, मैं वो बाप को बादल में बदल के बारिश करा देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो पाप होते हो वही पाप फिर से आप लोगों के बीच पहुंच जाता है। अब कौन सा पाप किसके ऊपर गिरता है वो अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इस दुनिया में कोई कुछ भी कर्म करता है उसके पीछे कुछ कारण कुछ इरादा होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और वो पूरे संसार में दो जने को पता होता है, सिर्फ दो जने, एक है अंतरात्मा और दूसरा है परमात्मा। इंसान जो भी कर्म करता है उसके पीछे की सही वजह सिर्फ उसको ही 100% पता होता है। कर्म कैसा भी हो उसको वापस परमात्मा से मिलना ही है। अच्छा कर्म से अच्छे नतीजे और बुरे कर्म से बुरे नतीजे मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो तो आगे बढ़ जाओ, और अगर बुरे काम हो तो करने से पहले 100 बार सोचना। अब अच्छे और बुरे कर्म कैसे पहचाने अगले वीडियो में जरूर देखिए। प्यारे दोस्तों, हम इस चैनल में जीवन से जुड़ी हुई और भी अच्छे अच्छे बातें लेके आएंगे। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप कमेंट में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उस विषय में वीडियो बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।